हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राम फ्रॉम इंडिया। टुडे जो है हम इंडिया से हैं, आज हम इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज के कैंपस में हैं। आज हमारे साथ अभिषेक जी हैं जो बिहार से हैं, जो हमारे साथ कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉलेज का क्या पोजीशन है, एजुकेशन कैसा है, ये सारा चीज़ सिस्टम बताएंगे। अभिषेक जी, आप थोड़ा अपने बारे में बताएं बिहार जी, में कहां से? मैं बिहार में चंपारण से हूँ। फर्स्टली मेरा नाम अभिषेक हुआ, मैं बिहार में चंपारण से हूँ और यहाँ आई एम इन थर्ड ईयर राइट नाउ। ओके, बहुत अच्छी बात है। थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपने स्टडी करा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अकॉर्डिंगली अगर इंडिया के बाद बात किया जाए तो इंडिया से मतलब सेम 80-90% यहाँ पे सेम एजुकेशन है अपार्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। और मोस्टली सब चीज़ इंडिया के जैसा ही है, 90% इंडिया के जैसा ही है। तो मज़ा आया काफ़ी, डिफरेंस फील नहीं हुआ कि मैं इंडिया में हूँ या बाहर में हूँ। इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन होता है बच्चों के, एनाटॉमी कैसा लगा आपको? एनाटॉमी काफ़ी अच्छा लगा, जो फर्स्टली से हमारा विस्रा के साथ इंटरेक्शन था, प्रोफेसर्स, डेड बॉडी वगैरह सब एकदम परफेक्टली था, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, डिफरेंस नहीं था। प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी एजुकेटेड है, और एक होता है कि हाईएस्ट लेवल के हैं जो ओल्ड होते हैं प्रोफेसर्स, ब्रिगेडियर हमारे हैं। तो हमारे कॉलेज में जहाँ तक मुझे फील हुआ, अदर कॉलेज के हिसाब से हमारे कॉलेज में काफ़ी एजुकेटेड अच्छे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जैसे प्लास्टिक एनाटॉमी होती है, एक होता है एनाटॉमी, आप देखते होंगे लोगों का कहना होता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है उसमें प्लास्टिक एनाटॉमी पे पढ़ाया जाता है, इसमें क्या आपका कहना है? देखिए, मुझे इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता अदर कॉलेजेस में क्या होता है, लेकिन यहाँ तो ओरिजिनल, यहाँ पे सब कुछ ओरिजिनल है, सारा कुछ एज ऑफ विश्रा वगैरह सब कुछ ओरिजिनल है, रियल डेड बॉडी है, रियल ऑर्गन्स विश्रा वगैरह। अच्छा, एक चीज़ अभिषेक जी बताएंगे कि इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज के कैंपस में हम लोग, यहाँ पे लोग कहते हैं कि 80% मुस्लिम लोग रहते हैं, यहाँ पे जो लोग हिंदू लोग आते हैं पढ़ने के लिए, उनके बच्चे के साथ कोई पार्शलिटी होती है? कोई पार्शलिटी, मेरे को, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे को 3 साल हो गए यहाँ पे, बट आज तक मुझे ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन, पार्शलिटी वगैरह कुछ फील नहीं हुआ है। ओके, बल्कि एक पॉजिटिवनेस अपने फैमिलियर की तरह ही सारा फील हुआ है यहाँ पे। ये अभी ढाका में हम लोग हैं, अगर आप लोग देख रहे होंगे इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में। अभिषेक जी जो है अभी अपना रिव्यू बता रहे हैं, बिहार से इनका सफ़र रहा, थर्ड ईयर में स्टडी कर रहे हैं, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब का कैसा रिव्यू है? बहुत अच्छा, अपेरेंटली बहुत अच्छा। ओके, फैकल्टी कोऑपरेटिव? फैकल्टी बहुत कोऑपरेटिव है, आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स होती है हम डायरेक्ट जाके फैकल्टी से बात करते हैं, प्रोफेसर से बात करते हैं, वो एक फैमिलियल की तरह हमें ट्रीट करते हैं बिल्कुल। माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज जो ढाका में है, जितने लोग बच्चे इंडिया के अभी इस वीडियो का आप देख रहे होंगे, बिल्कुल फ्रेंडली मेडिकल कॉलेज है। आप ये समझिए कि आप इंडिया में स्टडी करते हैं, क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, जो नेक्स्ट का आपका एग्ज़ाम आएगा, आप 100% आप उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभिषेक जी आपको रिव्यू दिए हैं, अभी हम कैंपस में ही, आप देख सकते हैं कैंपस, थोड़ा विजिट करा सकते हैं। ये हम कैंपस के अंदर में है जहाँ पर ये कॉलेज है, पास में हॉस्पिटल है, ये सारी जो कैंपस है, इस बीच में हम आपको जो है ये सारा रिव्यू इसलिए आपको हम दे रहे हैं कि आप यहाँ पे आ करके अपना स्टडी कर सकते हैं, अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। अभिषेक जी, आप बताएं बच्चे को, इंडियन स्टूडेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इंडियन स्टूडेंट्स को अपेरेंटली बोलना मैं यही चाहूँगा कि आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत अच्छी पढ़ाई है, इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया के जैसा ही है और काफ़ी अच्छा है। जिसका इंडिया में एडमिशन मेडिकल कॉलेज में नहीं मिलता है, उसके लिए क्या है आपका कहना? कोई इशू नहीं है, आप कोई डिफरेंस फील नहीं होगा, आप इंडिया में चाहे यहाँ कॉलेज में रहे, सब चीज़ सेम है जी। ऑफ कोर्स माय डियर फ्रेंड्स, अब आने वाले दिनों में नेक्स्ट का एग्ज़ाम होगा इंडिया में, आप बांग्लादेश की प्लानिंग कर सकते हैं और बांग्लादेश में आप स्टडी कर सकते हैं। बांग्लादेश इज़ द बेस्ट फॉर स्टडी फॉर इंडियन स्टूडेंट के लिए है, तो आप आएँ और स्टडी करें। अभिषेक जी देखिए, हम आशा करते हैं कि अभिषेक जी एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे और इंडिया में अपना अच्छा नेम फेम करेंगे। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।